आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व कांग्रेसी और एचडीएफ नेता दिलीप चावला बिट्टू का हालचाल जानने के लिए अंबाला के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलीप चावला के परिवार से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के साइन न होने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और किसी भी तरह का पार्टी में कोई मन मुटाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके, बाकी सब प्रस्ताव पर साइन कर चुके हैं। हाँ, बिट्टू हमारे साथी हैं, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है, कह रहे हैं डॉक्टर साहब से बात हुई है, इम्प्रूवमेंट होगी, थर्ड टाइम लगा लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। नहीं, सबके साइन, एक एक विधायक हम पहुँचे नहीं थे, उनको दिलीप बिश्नोई जी और सबके साइन है, ये कोई सवाल नहीं, सब सब कांग्रेस एकजुट है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला द्वारा बहस की खुली चुनौती देने पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो अपनी पार्टी और खुद को देखें। खुली चुनौती दे रहे हैं अभय सिंह चौटाला, अपने को देखें।